ट्रायल में पास भी हो गए, ट्रायल हो भी गया, तो अभी ड्यूटी भी आपका शुरू हो गया। तो ड्यूटी शुरू हो गया तो अभी आप पंचिंग भी मार दिए, साइन भी कर दिए और आपको ट्रिप कार्ड भी। तो आप तो दोस्तों आपका ड्यूटी तो हो गया, तो अब गाड़ी में चढ़ेंगे। चढ़ने के बाद में आपको तो रीडिंग लिखना है, किलोमीटर रीडिंग लिखना है, हावर्स मीटर रीडिंग लिखना है। तो ये आप कैसे लिखेंगे, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हावर्स मीटर कैसे निकालते हैं। ऐसे तो किलोमीटर तो ऐसे डिस्प्ले में आपको दिखाई देता है, लेकिन हावर्स मीटर निकालने के लिए हम लोग को किस में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे देखेंगे, जो हम लोग अपना हावर्स मीटर निकाल के अपना ट्रिप कार्ड में लिखेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हावर्स मीटर कैसे निकालेंगे हम लोग। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हावर्स मीटर को कैसे निकालते हैं, इसीलिए वीडियो को मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि आपको रीडिंग भी लिखना है। इस तरह से हम लोग स्टीयरिंग के बटन से इंजन हावर्स मीटर को हम लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो स्टीयरिंग बटन है, ये जो राइट साइड में है, इसको हम लोग दबाएंगे। ये मीनू है, इसको दबाएंगे एक बार तो इस तरह से मेंटेनेंस आएगा। जो रुको, अच्छा से नहीं दिख रहा है दोस्तों, थोड़ा सा कैमरा शायद धुंधला हुआ होगा। तो ये देखिए मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में दबाने के बाद में हम लोग अगर साइड की तरफ जाएंगे तो रुकिए, अच्छा से नहीं दिख रहा है, ये पार्ट ट्रिप चेक दिखा रहा है। तो अगर साइड जाएंगे, साइड तरफ जाएंगे तो ट्रिप कंप्यूटर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और ये रिटर्न कॉल, रिसेंट कॉल, तो उसमें हम लोग को नहीं जाना है। तो हम लोग को जाना है किसमें, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में जाके नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और यहाँ व्हीकल डाटा आ गया। व्हीकल डाटा में हम लोग क्लिक करके देखेंगे ये टोटल टोटल डिस्टेंस किलोमीटर हो गया, डीजल कितना खाया है, और इसके नीचे में है आप लोगों का इंजन रनिंग टाइम, जो कितना रनिंग हुआ ये देख सकते हैं आप लोग। तो इस आइडियल टाइम भी दिखा,